वेलकम फ्रेंड्स, लेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 25 अगस्त को हमने क्या ट्रेड किया, क्या हमें आज लॉस हुआ या फिर प्रॉफिट हुआ, या फिर कल के जैसा बड़ा लॉस हुआ, मतलब बड़ा नहीं जितना हमने डिसाइड किया उतना लॉस हुआ, या फिर स्मॉल लॉस हुआ, या फिर स्मॉल प्रॉफिट, या फिर ब्रेक इवन हुआ। तो ये अभी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आपके लिए यहाँ पे लाइव आपको मेरा जो ऑर्डर बुक है वो भी शो करूँगा, और जो हमारा पोजिशन से नेट आज का वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूँगा। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर मार्केट देख सकते हो, कल यहाँ पर वन साइड यहाँ पर डाउनफॉल आया था, उसके बाद आज यहाँ पर लगभग 80 to 90 पॉइंट यहाँ पर गैप डाउन ओपन होके यहाँ पे फिर से नीचे आया, और फिर यहाँ पे अब आके यहाँ पे थोड़ी सी अपसाइड की मोमेंट दे दी। उसके बाद यहाँ पे फिर डाउन आया, फिर अप गया, फिर उसके बाद यहाँ पे वोलेटाइल और साइडवेज यहाँ पे हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो आज का मार्केट यहाँ पे बिल्कुल ही चौपी मार्केट था, मतलब यहाँ पे रेंज बाउंड या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आज ऑप्शन बाइंग का दिन नहीं था, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर आज साइडवेज में ही फंसा है। ना ये ज़्यादा ऊपर की रैली दिया है, ना ज़्यादा नीचे की रैली दिया है, बीच में ही सबको फंसाया है। तो चलिए देखते हैं आज हमने क्या किया है, प्रॉफिट किया है या फिर लॉस किया है। तो आप देख सकते हो, तो यहाँ पे एक रैली मतलब पकड़ में आ सकती थी ऑप्शन बाइंग के लिए, और फिर ये एक रैली, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ये है कि यहाँ पे बिल्कुल ही साइडवेज छोटी सी रेंज थी, फिर ये है कि यहाँ पे आया ऐसा करके, यहाँ पे लगा नीचे जाएगा, लेकिन ये यहाँ पे एसएल करके ऊपर जाके फिर नीचे आया। तो यहाँ पे ऐसे एक ट्रेंड लाइन भी बन रही थी, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे ऐसी ट्रेंड लाइन बन रही थी। इस ट्रेंड लाइन को एक दो बार यहाँ पे निकालने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ निकाल नहीं पाया, और यहाँ पे ट्रैप करके यहाँ पे नीचे की साइड में आ गया था मार्केट। तो चलिए देखते हमने आज क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग यम स्टॉक ओपन कर लेते हैं, और देखते हैं कि हमारा आज प्रॉफिट हुआ है या फिर कल जैसा आज भी हमारा लॉस हुआ है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग ऑर्डर बुक पे चलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो दो ही ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड है हमारे यहाँ पे, इसका मतलब हमने यहाँ पे आज एक ही ट्रेड यहाँ पे ले ली है। और आप लोग देख ही रहे हो, जिस भी दिन हम एक ही ट्रेड लेते हैं वही हमारा दिन अच्छा रहता है, मतलब ज़्यादा ट्रेड लेने का भी मतलब कि ज़्यादा ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो मॉर्निंग में 9:22 को ही यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, 19,350 का कॉल लिया था आज मॉर्निंग में 72 के प्राइस पर, और यहाँ पर 9:29 पर यहाँ पर हमने एग्जिट कर दिया। तो अभी हम देखते हैं ओवरऑल क्या है हमारा पोजीशंस। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हमें 302 रुपीज़ का यहाँ पे हमको प्रॉफिट हो गया है, और कल हमारा यहाँ पे लगभग 500 रुपीज़ का लॉस था, मतलब उसका यहाँ पे 50 to 55% यहाँ पे हमने यहाँ पे कल का लॉस रिकवर कर लिया है। और अभी सिर्फ थोड़ा बचा है, वो मंडे के दिन या फिर वेनसडे के दिन, ट्यूसडे के दिन, जब भी हमको मिलेगा अच्छा सेटअप और अच्छा यहाँ पे जब सेटअप बनेगा तो हम वो भी बचा हुआ 200 रुपये कवर कर लेंगे। तो आज हमने यहाँ पे प्रॉपर सेटअप को वेट किया और प्रॉपर एसएल लगाया, और यहाँ पे जब मार्केट नीचे आया तो हमने प्रॉपर एसएल पे ही बैठा, और यहाँ एसएल के पास से ही यहाँ पे फिर वापस ऊपर घूम गया, और यहाँ पर हमने जैसे ही प्रॉफिट हमारे मतलब का प्रॉफिट बन गया तो यहाँ पर हमने उसे बुक कर लिया, क्योंकि आज फ्राइडे है और फ्राइडे के दिन ज़्यादा मोमेंट नहीं हम एक्सपेक्ट करके चलते, क्योंकि प्रीमियम ही नहीं बढ़ता ज़्यादा फ्राइडे के दिन, इसलिए यहाँ पर हमने आज टोटल जो भी हमारा सेटअप था वो सारे पैरामीटर्स मैच करके यहाँ पे हमने ओवरऑल ट्रेड ले ली है। तो अगर आपको ऐसे ही लाइव ट्रेडिंग की साइकोलॉजी जाननी होगी, और आपको ऐसे ही लाइव ट्रेडिंग की साइकोलॉजी जाननी होगी या फिर स्मॉल लर्निंग लेनी होगी, तो कृपया करके हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।